जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रिटायर्ड मरीन कमांडो 2611 मुंबई टेररिस्ट अटैक वॉरियर सौर्य चक्रवाड़ी, 3-time आयरन मैन फिनिशर, मैराथन रनर, मोटिवेशन स्पीकर प्रवीण कुमार तेवतिया। दोस्तों आज आपके लिए मैं बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आया हूं, वो है कि हमको रनिंग के दौरान क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों आप सभी दूध की चाय पीते हैं, अगर मैं कहूं कि नींबू की चाय पीजिए तो कैसा लगेगा? मैं कहूं कि दूध की चाय से गैस बनती है और नींबू की चाय आपकी गैस दूर करती है तो आप विश्वास करेंगे? शायद कुछ लोग विश्वास करें, लेकिन ये सत्य है कि दूध की चाय आपको नुकसान करती है और नींबू की चाय आपको फ़ायदा देती है। तो उसी तरह से मैं आज टॉपिक है मेरा कि हमको क्या पहनना चाहिए रनिंग के दौरान। लंगोट पहनना चाहिए, सपोर्टर पहनना चाहिए या हमको स्किन टाइट पहनना चाहिए? तो दोस्तों लंगोट कौन लोग पहनते हैं? लंगोट पहनते हैं हमारे पहलवान भाई। सपोर्टर कौन पहनता है? सपोर्टर पहनते हैं क्रिकेटर, जिनको अपना सपोर्ट करना होता है उसमें एल गार्ड लगाते हैं तब जाके वो सपोर्ट कर पाते ताकि उनको बॉल ना लगे। फिर आप लोग जितने भी रनर्स हैं आप सपोर्टर और लंगोट क्यों पहनते हैं, ये मेरा एक सवाल है। पहनते हैं अच्छी बात है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं। कुछ लोग नॉर्मल अंडर गारमेंट पहन कर भी भागते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोर्टर पहन के भागते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लंगोट पहन के भागते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप लॉन्ग डिस्टेंस करते हैं तो उससे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो कॉटन का कपड़ा है और सारे पसीने को वो सोख लेता है और फिर उसके बाद में वो हार्ड होता चला जाता है, जिससे कि आपके ग्रोइन एरिया में रैसेस होने के चांसेस होते हैं, जहाँ पे घाव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है इसकी ये सिलाई। लंगोट में, सपोर्टर में और आपके अंडर गारमेंट्स में हमेशा एक सिलाई होती है जो कि आपके ग्रोइन एरिया को क्रॉस करती है। जब ग्रोइन एरिया में पूरा पसीना आ जाता है, सारा पसीना आपकी बॉडी का आपके अंडर गारमेंट्स में चला जाता है, तो उसकी वजह से आपको रैसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और मैं एक चीज़ दिखाऊंगा आपको कि ये है आपका स्किन टाइट। स्किन टाइट देखिए आप, इसकी जो सिलाई है इसकी सिलाई इस टाइप से है, तो आपके ग्रोइन एरिया को ये सिलाई कभी क्रॉस नहीं करती है, जबकि लंगोट, सपोर्टर और आपके अंडर गारमेंट की सिलाई आपके ग्रोइन एरिया को क्रॉस करती है, जो कि रैसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं सभी को रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा स्किन टाइट पहने, और प्लस ये नायलॉन का बना हुआ है तो आपको कभी भी नुकसान नहीं देगा, और इसमें आपका जो पसीना आता है पूरा का पूरा पसीना आपकी बॉडी को नीचे चला जाता है, इसमें पसीना ज़्यादा रुकता नहीं है, जबकि ये कॉटन के कपड़े हमेशा पसीने को सोख लेते हैं और वो भारी हो जाते हैं, और जैसे ही वो सूखना शुरू करते हैं वो आपके एरियाज़ को काटना शुरू कर देते हैं, रैसेस करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग हैं हमारे जो कहते हैं कि सर अगर हम ये सब चीज़ ना पहने, लंगोट ना पहने, सपोर्टर ना पहने तो पानी आ जाता है। तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है आप लोगों का कि एक हाइड्रोसिल बीमारी को आप रनिंग से जोड़ रहे हो। रनिंग का और पानी उतरने का कोई भी रिलेशन नहीं है, ये एक बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर करते हैं, जबकि रनिंग से इस तरह की कोई बीमारी नहीं होती है। तो दोस्तों बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो स्किन टाइट से पहले भी सपोर्टर पहनते हैं, अंदर पहले सपोर्टर डालेंगे फिर स्किन टाइट डालेंगे, तो इसके नीचे किसी भी अंडर गारमेंट को पहनने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। और जो भी दोस्त हमारे लंगोट, सपोर्टर और अंडर गारमेंट पहन के रनिंग करते हैं तो उनको मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि हमेशा आप या तो सरसों का तेल या फिर कोकोनट ऑयल अपने आर्मपिट में और अपने ग्रोइन में अप्लाई कर लें, ताकि आपके बॉडी में कहीं भी रैसेस ना हो। और दोस्तों मैं इसकी थोड़ी अंदर की जो सिलाई है स्किन टाइट की, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही सुपर्ब सिलाई होती है, जहाँ पे आपके रैसेस होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और करीब करीब 20 से 22 साल की रनिंग करियर में मैंने हर तरह का कपड़ा यूज़ किया है, लंगोट मैंने पहने हैं, सपोर्टर मैंने पहना है, और आज मैं यूज़ करता हूँ ओनली स्किन टाइट, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है और इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं आती है, 200 रुपये का आपको मिल जाता है, जिसकी ड्यूरेबिलिटी कम से कम 1 साल है। तो आपको हमेशा ये कंफर्टेबल लगेगा, इससे आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान रखें जब भी आप रनिंग करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करने के लिए आ रहे हैं, तो हमेशा अपनी बॉडी में कोकोनट ऑयल या आप मस्टर्ड ऑयल या फिर आप
वैसलीन अप्लाई करने के बाद ही आप रनिंग करें, तो आपको रैसेस होने के चांसेस नहीं रहेंगे। जिन भी दोस्तों के पास में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि वो जाके स्किन टाइट नहीं पहन सकते, स्किन टाइट नहीं ले सकते, तो उनके लिए मैं सलाह दूंगा कि हमेशा आप लंगोट पहनने से पहले या सपोर्टर पहनने से पहले तो आप कभी भी मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल ज़रूर अप्लाई करें। सभी दोस्तों को 74वें इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं, शुभेच्छा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।